यह दुनिया बहुत ही ज्यादा विशालकाय है और उतनी ही ज्यादा सुंदर भी है। इस दुनिया की सुंदरता में चांद चांद लगाने का काम इस पृथ्वी पर विकसित होने वाले जीव करते हैं। कुछ जीव तो बेहद ही ज्यादा प्यारे होते हैं तो कुछ खतरनाक। यह खतरनाक जीव प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन हम इंसानों की तो रूह को हांप जाए यदि ऐसे जीवों से सामना हो जाए। हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा शेर और दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पोपोटामस के बारे में। दोनों ही काफी एग्रेसिव जानवर हैं और काफी ज्यादा शक्तिशाली भी। जहाँ शेर अपना अधिकांश समय खुले मैदानों में व्यतीत करते हैं तो वहीं हिप्पो अपना अधिकांश समय पानी के अंदर व्यतीत करते हैं, लेकिन रात के समय हिप्पो पानी के किनारे घूमते फिरते दिखाई देते हैं और शेर भी रात को पानी पीने या जीवों का शिकार करने के लिए नदी के किनारे आते हैं। ऐसे में कई बार शेर और हिप्पो का आमना सामना हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि शेर और हिप्पो का आमना सामना होगा तो क्या परिणाम होगा, कौन होगा विजेता। जानने के लिए हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लॉयन यानी कि शेर, शेर एक डोमिनेंट क्रिएचर है। यह केवल मांस के ऊपर ही डिपेंड रहता है, अर्थात कार्निवोरस है। शेरों में सबसे बड़े शेर अफ्रीकन लायन होते हैं। यह झुंड में रहते हैं और एक विशेष रणनीति के तहत शिकार करते हैं। शेरों में शेरनियां शिकार करती है, लेकिन यदि शिकार काफी बड़ा हो तो शेर भी शिकार करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शेर को जंगल के राजा की उपाधि मिली है। इसकी एक दहाड़ से जंगल के सभी जीव भयभीत हो जाते हैं। शेरों की दहाड़ को 7 से लेकर 10 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। शेरों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो काफी क्यूट होते हैं, लेकिन बड़े होते होते ये काफी आक्रामक हो जाते हैं। एक समय शेर संपूर्ण दुनिया में फैले थे, लेकिन आज इनकी संख्या कुछ हजारों में आकर रह गई है। शेरों की शक्ति उसका झुंड होता है, नहीं तो जंगल में हाइना जैसे शिकारी भी है जो शेरों पर हमला करने से नहीं डरते हैं। जंगल में शेरों की अधिकांश मुठभेड़ हाइना के साथ ही होती है, क्योंकि यह शेरों का शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़े के बारे में। यह पानी और जमीन दोनों पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोगों को हमले का खतरा इसी जीव से बना रहता है। जी हाँ, यह जीव सबसे ज्यादा हमले के लिए अफ्रीका में जिम्मेदार है। यह काफी आक्रामक जीव है। यह अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ तक मगरमच्छ भी इनसे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि यदि हिप्पो ने अपने लंबे कैनाइन दांतों से मगरमच्छ पे वार किया तो मगरमच्छ कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देगा। हिप्पो को पिग की प्रजाति से संबंधित माना जाता है, तो वही कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वेल और डॉल्फिन के दूर के रिश्तेदार है। यह हिप्पो आपस में भी खूंखार लड़ाई लड़ते हैं। हिप्पो एक बहुत ही ज्यादा वजनी और मोटी चमड़ी से भरपूर जानवर है, इसीलिए कोई भी जानवर हिप्पो पर हमला करने के बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन शेर तो जंगल का राजा है, तो वो हिप्पो को भी अपना शिकार ही समझेगा। तो क्या होगा जब शेर हिप्पो पर हमला करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानना होगा जो जीत के लिए अति आवश्यक है। लॉयन यानी कि शेर, शेर का वेट होता है 200 किलो से लेकर 250 किलो तक, तो वही हिप्पो का वेट होता है 1500 किलो से लेकर 3200 किलो तक। लॉयन की हाइट होती है 1.2 मीटर तक, तो हिप्पो की हाइट होती है 1.5 मीटर तक। लॉयन की लंबाई होती है 8 से लेकर 10 फीट, तो हिप्पो की लंबाई होती है 10 से लेकर 15 फीट तक। शेर का जीवन काल होता है 10 से लेकर 14 वर्ष तक, तो हिप्पो का जीवन काल लगभग 50 वर्ष तक होता है। शेर की स्पीड होती है 55 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन छोटी दूरी पर शेर को 80 किलोमीटर तक भागते हुए देखा गया है। तो वही हिप्पो की रफ्तार होती है 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेर की बाइट फोर्स होती है 650 psi और कैनाइन दांत होते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर जितने लंबे। तो वही हिप्पो के कैनाइन दांत 40 से 50 सेंटीमीटर जितने लंबे होते हैं। यह थी इन दोनों जीवों की शारीरिक विशेषताएं, जिसमें हिप्पो शेर से ज्यादा भारी और शक्तिशाली है, लेकिन अटैक टेक्निक शेर की बहुत ही ज्यादा बेहतर है। साथ ही शेर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यदि शेर और हिप्पो का आमना सामना जमीन पर हुआ तो क्या होगा और पानी पर हुआ तो क्या होगा? जमीन पर यदि हिप्पो घूम रहा हो और शेरों के झुंड ने
हिप्पो पर हमला कर दिया तो निश्चित ही शेर के पक्ष की जीत होगी और हिप्पो दम तोड़ देगा। वहीं यदि ये मुकाबला पानी में हुआ तो स्थिति अलग होगी, क्योंकि हिप्पो पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक के रह सकता है। अतः पानी के अंदर तो निश्चित ही हिप्पो की जीत होगी। वैसे देखा जाए तो एक शेर के बस का तो जमीन पर भी अटल हिप्पो का शिकार करना संभव नहीं है, क्योंकि हिप्पो की खाल बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और हिप्पो के कैनाइन दांत बहुत ज्यादा बड़े और विशालकाय होते हैं। इसीलिए बिना झुंड के शेर हिप्पो पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।